हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल वीपी ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम एक क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो कि हमें नरेंद्र जी ने भेजी है। उनकी क्वेरी है कि उनके पास एक फोल्डर में कुछ स्टूडेंट्स की इमेजेज है और एक्सेल की फाइल में स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स हैं, तो उनको हर स्टूडेंट की इमेज को उसके रिकॉर्ड वाली लाइन में या रो में एक्सेल में इंसर्ट कराना है। तो ऐसे ही उनकी क्वेरी की जैसी एक डमी एक्सेल फाइल हमने बनाई है जिसमें हमने कुछ फ्रूट्स के नाम लिखे हैं और एक फोल्डर में फ्रूट्स की इमेजेज रखी हुई है। और आप अगर ये अपलोड इमेज का जो बटन है इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो सारी इमेज एक के बाद एक एक्सेल में इंसर्ट हो गई है और हर इमेज इमेज वाले कॉलम में उसी के आगे इंसर्ट हुई है जहां पर उसका नाम लिखा हुआ है। तो चलिए सीखते हैं किसी फोल्डर से उठाकर इमेज को सेल्स में कैसे ऐड कर पाते हैं। चलते हैं वीपी एडिटर पर और एक नया मैक्रो बना लेते हैं। मैक्रो का नाम लिख लेते हैं इंसर्ट या फिर अपलोड इमेजेस। तो पहले एक सिंगल इमेज को एक सिंगल सेल में इंसर्ट करना सीख लेते हैं। वो अगर आ गया तो फिर हमको क्या करना है, उस कोड को लूप में डालना है और हम मल्टीपल इमेज को फोल्डर से उठाकर अपनी सीट में इंसर्ट करा सकते हैं। सो एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसमें हम अपनी इमेज का पाथ स्टोर कराएंगे। लिखते हैं डिम स्पेस, वेरिएबल का नाम लिख लेते हैं इमेज पाथ एज स्ट्रिंग और इसमें किसी एक इमेज का पाथ स्टोर कर लेते हैं। जो एप्पल वाली इमेज है इसका पाथ हम कॉपी कर लेते हैं। तो इसका पाथ कॉपी करने के लिए हम शिफ्ट की के साथ माउस का राइट क्लिक प्रेस करेंगे। इसमें एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी एज पाथ, इस पर क्लिक करेंगे तो इस फाइल का पाथ कॉपी हो जाएगा और इसको हम पेस्ट कर देंगे अपनी वीपी एडिटर में और इसका पाथ स्टोर करा लेते हैं इमेज पाथ नाम के वेरिएबल में। अब किसी सेल में इमेज इंसर्ट करने के लिए हमको क्या करना होता है, हम देते हैं उस सीट का नाम जिसमें हमको इमेज इंसर्ट करानी है। तो इसका सीट वन नाम है और इसका डोमेन नेम भी सीट वन है, तो हम लिखेंगे इसका डोमेन नेम सीट वन डॉट, उसके आगे लिखेंगे शेप्स फिर डॉट इसका एक फंक्शन एड पिक्चर। एड पिक्चर में हमें कुछ पैरामीटर पास करने होंगे और आप देखोगे इसमें कोई भी पैरामीटर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद नहीं है, मतलब इन सारे पैरामीटर की वैल्यू में पास करना जरूरी है। तो एक एक करके सारे पैरामीटर की वैल्यू पास करते हैं। सबसे पहले है फाइल नेम, सो लिखते हैं फाइल नेम कॉलन इक्वल टू, फाइल नेम मतलब वो इमेज जो हमको इंसर्ट करानी है, तो वो है हमारे इमेज पाथ नाम के वेरिएबल में स्टोर, तो हम यहाँ दे देते हैं इमेज पाथ। अब इसका जो दूसरा पैरामीटर है वो पैरामीटर है लिंक टू फाइल, लिखते हैं लिंक टू फाइल। इसमें हम देंगे MSO फॉल्स और MSO फॉल्स इसलिए देंगे क्योंकि हमें पिक्चर को इंडिपेंडेंटली इसमें इंसर्ट कराना है। उसके बाद आप देखोगे तो इसका पैरामीटर है सेव विद डॉक्यूमेंट, सेव विद डॉक्यूमेंट। अब इसमें जो वैल्यू जाएगी वो हम देंगे MSO ट्रू और MSO ट्रू हम तब देते हैं जब हम इस पिक्चर को अपनी एक्सेल की फाइल के साथ सेव कराना चाहते हैं। और अगर आप जो भी पिक्चर इंसर्ट कर रहे हैं उसका सिर्फ लिंक इंसर्ट कराना है तो आप इसको MSO फॉल्स पास कर सकते हैं। उसके अगला जो पैरामीटर है वो है लेफ्ट, लेफ्ट पैरामीटर में हम बताएंगे कि इमेज कि लेफ्ट पैरामीटर मतलब जो लेफ्ट की पोजीशन है वो कहाँ से इंसर्ट होनी स्टार्ट हो, तो हमको जो इंसर्ट करानी है वो C2 में करानी है, तो हम दे देते हैं C1.range C2 और इसकी जो लेफ्ट पोजीशन है वो दे देते हैं कि इसकी लेफ्ट पे हमने करानी है लेफ्ट पोजीशन। इसी तरह अगला जो पैरामीटर है वो टॉप है, टॉप हमने वही रखनी है जो C2 की हमारी टॉप पोजीशन है। इसे कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, दो बार पेस्ट कर लेते हैं इसको। और फिर थी हमारी विथ और सबसे लास्ट में है हाइट, इसको विथ से रिप्लेस कर देते हैं और इसको कर देते हैं हम हाइट। ओके, सेव करते हैं, F5 प्रेस करके इस मैक्रो को रन करते हैं, अपनी सीट में जाके देखते हैं तो हमारे सेल में
पिक्चर इंसर्ट हो गई, मतलब एक सिंगल इमेज इंसर्ट करना हमको आ गया है। अब पहले ही सिंगल इमेज को इस एक्सेल फाइल से डिलीट कर देते हैं और अब मल्टीपल इमेजेज इंसर्ट करना सीखते हैं। चलते हैं वीबी एडिटर पर। सो मल्टीपल इमेज इंसर्ट कराने के लिए हमें लूप चाहिए होगा। लूप की इंडेक्स के लिए एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल हम डिक्लेयर कर ले रहे हैं INDX नाम का और लूप लगाते हैं। सो हम देखेंगे लूप हमें चलाना है रो नंबर 2 से रो नंबर 6 तक, तो हम फॉर लूप में इंडेक्स देंगे 2 और फिर जो इसकी एंड पोजीशन रहेगी वो हम दे देंगे 6। बंद कर देते हैं। अब इसके बीच में हमको ये वाला कोड अपना रखना है, इसे कॉपी करके यहाँ से कट करके यहाँ पे डाल देते हैं। अब एक चीज आप देखोगे कॉलम बी में जो फ्रूट नेम है सेम वही नेम हमने अपनी इमेजेस के दे रखे हैं। सो हम जो इमेज का पाथ है उसको डायनेमिक बना लेते हैं। सो जो हमारा फ्रूट वाला फोल्डर है ये जो हमारी एक्सेल वाली फाइल है उसी वाले फोल्डर में है। तो जिस फोल्डर में ये फ्रूट वाला फोल्डर है उसका पाथ निकालने के लिए हम यूज करेंगे दिस वर्कबुक डॉट पाथ। इससे हमको उस डायरेक्टरी का पाथ मिल जाएगा जिसमें हमारी फ्रूट नाम का फोल्डर है और फिर इसके अंदर जो फोल्डर है वो है फ्रूट्स नाम का और जो फ्रूट्स वाला फोल्डर है उसके अंदर हमारी सारी इमेजेस है। तो हम फ्रूट्स वाले फोल्डर के अंदर आ गए हैं। अब क्या करना है हमको एक एक इमेज उठानी है। अब आप देखोगे तो इमेज नेम हमारी सेम कॉलम बी में जो वैल्यू है वही है, तो हम क्या कर सकते हैं सीट वन की रेंज कॉलम का बी जो है बी वाला कॉलम जो है उसको कंकेटिनेट कर देंगे इंडेक्स से डॉट वैल्यू से। तो इसका जो करंट इंडेक्स वाला रो रहेगी उस सेल से फ्रूट का नेम उठा के लाएगा और देखोगे तो सारी फ्रूट की जो इमेजेज है इनकी एक्सटेंशन जेपीजी है। तो एक्सेल की फाइल में सिर्फ फ्रूट के नेम नेम लिखे हुए हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा डॉट जेपीजी अलग से लगाना पड़ेगा। अब इमेजेस के पाथ तो हमारे आएंगे और इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अब हमको एक और जो चेंज करना है यहाँ पर करना है जहाँ पे हमने सीटो को हार्ड कोड किया था, इसकी जगह लूप का इंडेक्स पास कर देते हैं। So, मैंने क्या किया लेफ्ट टॉप विथ और हाइट ये चार जो पैरामीटर है इसमें सेल को डायनेमिक बना दिया है। सो अब हमारा कोड तैयार हो गया है। क्या करते हैं हम एक्सेल की फाइल में जाके इसमें एक बटन इंसर्ट कर लेते हैं जिसपे क्लिक करके इस मैक्रो को हम रन कराएंगे। सो इंसर्ट वाले टैब में जाएंगे और यहाँ से हम एक पिक्चर उठा लेते हैं, ये थी इस फोल्डर के अंदर बटन डॉट पीएनजी नाम की, इसको यहाँ पे रख लेते हैं और फिर इस पर राइट क्लिक करके हम असाइन मैक्रो पे क्लिक करके हमारा जो अपलोड इमेजेस नाम का मैक्रो था इसको सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करेंगे तो ये मैक्रो इस बटन पे असाइन हो गया। अब हम इस बटन पर क्लिक करके या इस इमेज पे क्लिक करके अपने मैक्रो को रन करते हैं। जैसे मैंने इस मैक्रो को रन किया सारी इमेजेस हमारी सीट में इंसर्ट हो गई। अभी जो हमने लूप यूज किया है इसमें एंड पोजीशन हार्ड कोडेड दे दी है, तो आप लास्ट सेल निकाल के उसको यूज कर लीजिएगा। और अभी जो हमने इमेज की एक्सटेंशन दी है वो सबकी मैनुअल दी है जेपीजी। तो अगर आपको FSO आता है मतलब फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट आपने पढ़ रखा है तो आप FSO का यूज करके इमेजेज की एक्सटेंशन निकाल के वही एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम FSO के बारे में पढ़ेंगे तो तब आपको आ जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। एक्सेल की ये फाइल और जो फोटो जिसमें यूज किए उन सबको हम अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप कोड फाइल को डाउनलोड करके प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में हमारे इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।